अवामी नेशनल पार्टी पाकिस्तान की वो वाहिद जमात है जिसने तालीम के शोबे में सिर्फ वादे ही नहीं किए बल्कि कुछ करके भी दिखाया है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है। 2007 में खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 9 यूनिवर्सिटियां थी और 2013 में जब अवामी नेशनल पार्टी की सूबाई हुकूमत अपने अख्ताम को पहुंची तो खैबर पख्तूनख्वा में 19 यूनिवर्सिटियां थी। इतनी यूनिवर्सिटीज खैबर पख्तूनख्वा में अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत से पहले नहीं थी जितनी अवामी नेशनल पार्टी ने 5 साल में बनाई। और यही ट्रैक रिकॉर्ड अब वादों की सूरत में हमें अवामी नेशनल पार्टी के मैनिफेस्टो में भी नजर आता है। बहुत सिंपल है, वन डिस्ट्रिक्ट वन यूनिवर्सिटी। हर जिले के अंदर एक आला मयारी यूनिवर्सिटी का कयाम। ना सिर्फ ये बल्कि पीएचडी स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स को 1 to 1.5 million रुपीस की रिसर्च ग्रांट्स ताकि वो हाई क्लास हाई लेवल रिसर्च खैबर पख्तूनख्वा की धरती में हमारी सरकारी यूनिवर्सिटीज के अंदर रहते हुए या निजी यूनिवर्सिटीज में अपनी रिसर्च कर सकें, एक आला किस्म की नॉलेज को प्रोड्यूस कर सकें जिसका हमारे सूबे को और हमारे मुल्क को फायदा हो। मगर अक्सर औकात वाली बात सोची जाती है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज के अंदर 4 साल की मुफ्त तालीम देना, पीएचडी रिसर्चर्स को ग्रांट्स देना, ये तो बहुत एक्सपेंसिव काम होगा, इसका पैसा कहां से आएगा। इसकी कॉस्टिंग भी अवामी नेशनल पार्टी कर चुकी है क्योंकि अवामी नेशनल पार्टी प्लान्स पे चलती है, झूठे वादों के ऊपर नहीं। इसका जितना भी एक्सपेंडिचर है एस्टिमेटेड टू बी ऑलमोस्ट अराउंड 8 बिलियन रुपीज, उसको खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अवामी नेशनल पार्टी की गवर्नमेंट के अंदर बहुत आराम से कवर कर सकती है।